सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू कुक्ड बाय यशी। हर दिन की तरह आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं होममेड आलू टिक्की बर्गर की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक बाउल भर के सूजी। क्वांटिटी आप आपके घर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने यूज किया एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही, नमक डालेंगे हल्का सा जिससे स्वाद आए, फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। इस तरह से मिलाते घोल बना करके रेडी कर लेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ना ज्यादा पतला रहे ना ही ज्यादा गाढ़ा। अब इसे रख देते हैं रेस्ट पे 5 से 10 मिनट तक। तब तक बना लेते हैं इसका स्टफ आलूओं का। तो यहाँ पे हमने लिए बॉइल्ड किए हुए आलू और इसे हम कर लेंगे कद्दूकस। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हो हाथों से मसालों के साथ। फिर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे राई जैसे कि सरसों, फिर इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच चने की दाल, 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे यहाँ पे कच्चे सेंग दाने। आप चाहे तो इसके 1/2 पार्ट्स करके ऐड कर सकते हो। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक भुनेंगे। अब लास्ट में हम यहाँ डालेंगे करी पत्ता, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे मसाले जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर चेंजेस के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला फ्लेवर के लिए। इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें ऐड कर दें बॉइल्ड किए हुए आलू। इसे मसालों के साथ अच्छे से पका लें और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अभी और फ्लेवर जिससे कि आलूओं का जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे इसे मिक्स कर लिए हैं और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, चॉप्ड की हुई हरी धनिया डाल दें फ्लेवर के लिए जिससे कि आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर दें नमक स्वादानुसार। नमक यहाँ हल्का डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी जो सूजी का पेस्ट बनाया था उसमें भी ऐड किया हुआ है, तो नमक कम डालें और इसे भून लेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे ये आलू का स्टफ बनके रेडी है। अब एक साइड में हम रखेंगे कढ़ाई में भरकर पानी उबलने के लिए। तब तक देखते हैं सूजी यहाँ पे अच्छे से 15 मिनट रेस्ट के बाद फूल चुकी है काफ़ी अच्छे से। अब इसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोडा या फिर इनो भी आप ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इनो डालने के बाद आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ी हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी चुका है। फिर हम एक कटोरी लेंगे एक ही साइज़ की, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। फिर उन सारी कटोरियों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि जब हम इसमें सूजी का पेस्ट भरे तो ये चिपके ना और आसानी से निकल जाए। ये रही सारी रेडी हो गई हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें हम सूजी डाल देंगे इस तरह से। सूजी डालने के बाद इसमें से थोड़ा सा खाली रखें जिससे कि ये जब ये फूलती है इस होना चाहिए। पानी खोलने के बाद इस पर हम डालेंगे एक नेट का बर्तन और इसमें हम ये सारी कटोरियाँ भरी हुई रख देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे कम से कम 10 मिनट तक। मीडियम फ्लेम करें और इसे 10 मिनट स्टीम कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखते हो काफ़ी अच्छी सी पफी पफी बन के रेडी हैं। इसे चेक करने के लिए आप इस पर एक पिनअप कर सकते हो। ये देखो ये चिपका नहीं है, इसका मतलब ये बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे
और ये रही बनके तैयार है बर्गर का जो हमारा ऊपर का हिस्सा था, ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम बीच से कट करेंगे, इसमें 1/2 पार्ट करेंगे बीच से कट करके। इस तरह से हमने दो पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें सेम बर्गर जैसा जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे, जैसे कि हमने इस पे अप्लाई किया टमाटो केचप। अच्छे से इसे फैला देंगे पूरे पे। अब इसमें हम डालेंगे आलू टिक्की, जो हमने आलू का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे, एक ऑनियन स्लाइस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे, खीरे का स्लाइस डालेंगे, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो। अब इसे हम चल लेते हैं सेकने के लिए। इसी तरह से हमने ये सारे पीसेस को भरकर एक ही स्टेप में रेडी कर लिया। अब तवे पे डालें थोड़ा सा तेल। जैसे ही तवा गर्म होता है, तेल गर्म होता है, उस पर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। इससे पहले आप तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट तिल और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इससे क्या होगा, जब हम इसकी सेकाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे फ्लेवर में रेडी होगा। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं बर्गर्स जो हमने अभी अभी बनाए हैं, और इसे हम एक बार कम से कम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तो ये थी हमारी होममेड बर्गर की रेसिपी, जो कि बच्चों को आजकल बहुत क्रेज़ होता है बर्गर नूडल्स ये सब खाने का। तो आप बिना खर्चा किए, बिना डोमिनोज या बर्गर पॉइंट जाए हुए, इसी तरह के बर्गर्स आप घर पे भी बना सकते हो। और जैसे कि आपने देखा एक साइड से पक गया है, तो इसे हम आसानी से दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। ये काफ़ी सूजी का जो बन बनाया है हमने, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसे आराम से पलटे, वरना ये टूट भी सकते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे पलटे हैं, क्योंकि ये होममेड था और सूजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये रहे दोनों तरफ से सेक कर तैयार हैं बर्गर। काफ़ी को सर्व करिए और बच्चों के साथ इंजॉय करिए। अब इस पे आप कैचअप डाल लें और इसे डेकोरेट कर लें। कैचअप डालने के बाद तो भाई बर्गर का टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है। और बस बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार था बर्गर। अगर आप एक्सपर्ट हैं किचन के कामों में, तो बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह की चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे तो बच्चे घर वाले भी इम्प्रेस होने ही वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।